मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ की हैं और एक ऐसी गलती जिस पर मुझे सबसे ज़्यादा रिग्रेट है, सबसे ज़्यादा पछतावा है और सबसे ज़्यादा अफसोस है, आई थिंक मैं ही नहीं दुनिया के 90% से ज़्यादा लोगों को उस एक गलती पर सबसे ज़्यादा पछतावा होता है और सबसे ज़्यादा रिग्रेट होता है। वो गलती है इन एक्शन की, एक्शन ना लेने की। मैंने अपनी लाइफ में सेल्फ हेल्प, सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और इससे रिलेटेड YouTube पर मैंने लाखों वीडियोस देखे होंगे, पर उन वीडियोस को मैं सिर्फ मज़े के लिए देखता था और सिर्फ एंजॉय के लिए देखता था। उन पर मैंने कभी भी एक्शन नहीं लिया। मास्टरबेशन तो आपने सुना ही होगा, क्या आपने मेंटल मास्टरबेशन के बारे में कभी सुना है? एक्चुअली जब आप किसी वीडियोस को सिर्फ मज़े के लिए देखते हो, दिमाग की शांति के लिए और दिमाग के मस्ती के लिए देखते हो, उसको मेंटल मास्टरबेशन बोलते हैं। और बड़ी दुख की बात है कि मैं उन मोटिवेशनल, सेल्फ हेल्प और इंस्पिरेशनल वीडियोस को सिर्फ मज़े के लिए देखता था और उन बुक्स के साथ भी मैंने ऐसे ही किया। मैं सिर्फ बुक्स को पढ़ता था, उनको अप्रिशिएट करता था, लेकिन उन बुक्स से कभी भी सीखकर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं की। हाँ, लेकिन कभी ना कभी इंसान की नींद ज़रूर खुलती है और मेरी नींद अब जाकर खुली है और मैं ऐसी कोई भी गलती अब नहीं करना चाहता। अब मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि आप चाहे कितने भी बुक्स पढ़ लो, कितने भी वीडियोस देख लो, कितने भी पॉडकास्ट देख लो, आपको लाइफ में ग्रोथ, कामयाबी और सक्सेस तभी मिलती है जब आप एक्शन लेना स्टार्ट करते हो और एक्शन लेते हो। इंडियन ओरिजिन के एंटरप्रेन्योर नवल रविकांत का एक बहुत ही फेमस कोट है कि यू डोंट नीड मेंटोर, यू नीड एक्शंस। मतलब कि आपको मेंटोर्स और गुरुज की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्शंस की ज़रूरत, क्योंकि जब आप एक्शंस लेते हो और उन एक्शंस के थ्रू आप जो गलतियां करते हो और उन गलतियों से आप जो लेसन सीखते हो, वो लेसन्स आपके साथ ज़िंदगी भर रहते हैं। लेकिन जब आप टीचर्स, मेंटोर्स और गुरुज की तलाश में रहते हो तो आप कोई एक्शन नहीं लेते हो और उन लोगों की तलाश में आप काफ़ी वक्त बर्बाद करते हो। तो इस पूरी बातों का समरी यही है और सार यही है कि प्लीज़ आप एक्शन लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वीडियोज़ मत देखो, आप बुक्स मत पढ़ो, नहीं, आप वीडियोज़ भी देखो, बुक्स भी पढ़ो, लेकिन उन वीडियोज़ से जो जो आप सीखते हो और उन बुक से जो जो आप सीखते हो, पढ़ते हो, उन सब को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। और हाँ, एक बात कि आप उन सारे आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप उन हज़ारों आइडियाज़ में से सिर्फ 2 या 3 आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करोगे तो आपकी लाइफ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और लास्ट में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा कि आप एक्शन लेने से और काम करने से जितना सीखते हो, उतना आप बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से, पॉडकास्ट देखने से कभी नहीं सीख सकते। सो ये रहा मेरा एक छोटा सा लाइफ लेसन। कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, अपना इम्पॉर्टेंट फीडबैक ज़रूर दें ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। दिस इज़ फरहान शमीमी, थैंक यू सो मच।